आपकी पार्टी के नेताओं के हिसाब से, हालांकि आप लगे रहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, बड़े नालायक किस्म के नेता हैं आप। ये आपकी पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग कहते हैं कि किसी लायक नहीं है आप। तो क्या इसी वजह से इतनी बुरी तरह से हार गई कांग्रेस राजस्थान में? नहीं, बुरी के नेता कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ बुरी तरह से कहाँ रहे हैं। हम लोग विधानसभा चुनाव दिसंबर में हुए थे और कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है, जो गैप है, वो 1.5% का गैप था। और हम लोग जब पिछले चुनाव हुए थे, एक बार हम 200 में से 20 पे सिमट गए थे, एक बार 50 पे सिमट गए थे, इस बार हम 1700 सीट जीत के आए, 70 सीट्स आउट ऑफ 200। सरकार नहीं बना पाए, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के अंदर। इस परफॉर्मेंस के लिए किसको आप श्रेय देंगे, अपने आप को, अशोक गहलोत को? ऐसा है, जीत सबकी होती है, हार सबकी होती है, तो ये कहना गलत होगा कि इसकी वजह से हम जीत गए या इसकी वजह से हार गए। सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में कोई ये सोचे कि मेरे नाम पे सब जीत रहे हैं या मेरे काम से सब हार रहे हैं, ऐसा नहीं है। कलेक्टिवली सबको सब तो अच्छी अच्छी बातें होगी। फैक्ट ये है कि कस के सार्वजनिक और बहुत ही खराब झगड़ा था आपका और अशोक गहलोत का, चुनाव आ गए, आप चुनाव हार गए, ऐसा क्या जादू आप लोगों ने लगाया कि झगड़ा आपका मेंटेन रहा और सेंट्रल लीडरशिप तक उसको सॉल्व नहीं कर पाई? कोई झगड़ा नहीं था, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं और मुझे लगा था कि राजस्थान में हम हर बार सरकार बनाते हैं और फिर एंड में हार जाते हैं, हम अपने आप को रिपीट नहीं कर पाते, 30 साल से ऐसा हो रहा था। तो इस बार मुझे लगा कि हम लोग अगर ऐसे कुछ कदम उठाते हैं तो उसका फायदा हमको मिलेगा। जो इश्यूज को हमने उठाया विपक्ष में, आज मैं अपना स्टैंड कैसे बदल दूंगा सरकार में आने के बाद? अगर मेरा कुछ स्टैंड है युवाओं को लेके, रोजगार को लेके, पेपर लीक्स को लेके, तो वो स्टैंड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, और तभी पार्टी की नेता की क्रेडिबिलिटी बनती है। आप विपक्ष में कुछ बोलो, सरकार में बनने के बाद कुछ और बोलो, तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? और मैंने जो इशू उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया, उस पर हमने कुछ करेक्टिव एक्शंस भी लिए, तभी तो मैं कह रहा हूँ इस बार हम 70 तो जीतेंगे कम से कम, पिछली बार तो हम 20-50 पे रह गए थे। लेकिन इससे बात पुरानी हो गई है, अब देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव की, और राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ 25 सीटें हैं, पिछले 2 चुनावों में हम लोग अपना खाता नहीं खोल पाए थे, हमारी सरकार होते हुए भी हम 0 सीट जीते थे। इस बार बदलाव मैं देख रहा हूँ लोगों में, कार्यकर्ताओं में, और जो मैंने दौरे किए हैं वो फीडबैक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से काफी अच्छा होने वाला है राजस्थान के अंदर। सेंट्रल लीडरशिप सपोर्ट कैसा है सचिन, बहुत ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप जो है, और मैं तो कई बार कह चुका हूं कि जहां तक मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखता हूं तो इनको सियासी टूरिज्म का बहुत शौक है, मतलब कभी कभी निकलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर दूसरों को ऊपर जीत लेते हैं। और कांग्रेस की दूसरी बहुत बड़ी परंपरा मुझे बड़ी साफ नजर आती है कि जीत होती है तो राहुल गांधी की, हार कलेक्टिव होती है। देखिए, आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ऐसा टूरिस्ट कहां मिलेगा आपको जो देश में 4,500 किलोमीटर पैदल चले केरला से? आपने कमेंट किया विज्ञान, मेरे को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, वो पूरे देश को पैदल नाप रहे हैं, उत्तर से पूरा देश, और पैदल चलकर लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। एक सामाजिक पॉलिटिकल कार्यकर्ता की सबसे ज्यादा मेहनत कब लगती है? जब वो लोगों से संवाद करे। और जहां तक जीत हार की बात है, हम लोग हारे या जीते, मैंने शुरू में कहा आपको, जीत पार्टी की है, लीडरशिप की है, हार भी लीडरशिप और पार्टी की होती है। दूसरी पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, वहां पर वही है, जीते तो वो प्रधानमंत्री जिता देते हैं, हार गए तो फिर वहां लोकल इशू हो जाते हैं। ये एक पैटर्न ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब ये परंपरा हो गई भारतीय राजनीति की, जिताएगा तो टॉप का आदमी जिताएगा, हारने के लिए बाकी सारे नीचे। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीडरशिप की होती है, आपका चैनल है, आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल है ना, आप सब लोग काम करेंगे, तो हर संगठन में रिस्पॉन्सिबिलिटी पद के आधार पर दी जाती है। और जहां तक आपने कहा सेंट्रल लीडरशिप की बात है, हमारे पास एक इलेक्टेड अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने 60 साल से राजनीति की, 50 साल से, और पहला दलित वर्ग से इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट आज हमारी पार्टी को हेड कर रहे हैं, उनके साथ राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी टीम के हम पार्ट हैं। जो दूसरे दल हैं उनका हमें पता ही नहीं कि वहाँ अध्यक्ष बनते कैसे हैं, कौन बनाता है, कौन नामांकन भरता है, कौन मतदान करता है, हर दल की बात कर रहा हूं मैं। तो कांग्रेस पे आप हमेशा आलोचना हमारी करते हो लीडरशिप को लेकर, मैं कह रहा हूं हम लोग सब बीजेपी बोली रहे, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी आपकी आलोचना करती है, बीजेपी हर पार्टी, आप बाकी दल उठा के देख लो, देश में जितने दल हैं, मे बी आप कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दो, हर पार्टी का पता ही नहीं है कि वहां इलेक्शन होता कैसे। हमारे यहाँ हर राजधानी में डब्बा लगता है, वोट डलती है, हम 2 चुनाव लड़े, शशि थरूर चुनाव लड़े और खड़गे साहब चुनाव लड़े, और खड़गे साहब बहुमत से जीते, आज हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो प्रोसेस हम कर रहे हैं,
फिर भी आलोचना सबसे ज्यादा हमारी होती है, दिन के दलों में कोई पता ही नहीं है। अब मुझे बताओ, नड्डा जी को थर्ड टर्म मिली है, किसने तो उनको एक्सटेंशन दी है, किसने नामांकन भरा है, किसने वोट डाले हैं, किसने प्रस्ताव किया है, किसने सेकंड किया है, किसी को पता ही नहीं है। आपने पूछा कभी उन लोगों से? देखिए, उनसे पूछना तो जरूर पूछा जाना चाहिए। आप पूछते कांग्रेस से, क्योंकि हम लोग करवाते हैं चुनाव। अरे भाई, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपसे भी तो ये पूछा जाना चाहिए कि अंततः कोई वोट पड़े, क्या हो, क्या प्रक्रिया हो। फैसला तो गांधी परिवार का ही होता है ना, कि अब इसको भी डिनाई करना। फैसला खरगे जी का है, वो सबसे कंसल्ट करते ना। ना अभी गांधी सबसे कम मेरे से पूछते हैं, वो इसको भी गांधी से पूछते हैं आप ना। मैं बता रहा हूं आपको, हमारी पार्टी में फाइनल गांधी परिवार का कोई सदस्य मानव संसाधन मंत्रालय लेने नहीं आता है। वो ऐसा परिवार है जहां का सदस्य पहले से तय हो जाता है कि प्रधानमंत्री। तो गांधी परिवार का कोई सदस्य पिछले 35 सालों से ना तो मंत्री बना है, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना, सरकार हमारी बनती है, योगदान रहता है। अगर आज हमारा अध्यक्ष अपने पूर्व अध्यक्ष से बात करता है तो बड़ी पीड़ा होती है आपको। अगर नड्डा जी बात करेंगे राजनाथ जी से, आपके तो अच्छी बात है, आपके दोहरे मापदंड है ना। अगर नड्डा जी बात करेंगे राजनाथ सिंह जी से, एक मिनट, गडकरी जी से, वो सिस्टम ठीक है, वो सिस्टम ठीक है। हमारा अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष से बात करेगा, आपको लगता है गलत है। नहीं कह रहा हूं कि वो सिस्टम ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि वो बीजेपी का सिस्टम है, वो जब बीजेपी के मेहमान आएंगे वो उसका उत्तर देंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।